Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज समझेंगे कंपनी लॉ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़कर हम आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कंपनी लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास थी कि कंपनी लॉ को कैसे पढ़ा जाए और कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कंपनी लॉ के सब्जेक्ट के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं कि कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाएं। क्योंकि हर पेपर में हम लोग जानते हैं कि हर पेपर में जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो एग्जाम पैटर्न में बार बार फिट किए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे जिससे आपको कंपनी लॉ पढ़ना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए जानते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और बात करते हैं कंपनी लॉ यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, अभी तक हम लोग आज से 2013 से पहले 1956 के कंपनी एक्ट को पढ़ते थे, लेकिन 2013 के बाद अब कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो चुका है। तो उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, और खासकर बीएलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के छात्रों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहां पर बतलाए जाएंगे लॉ के छात्रों के लिए जो अक्सर आपके एग्जाम पैटर्न में रखे ही रखे जाते हैं, उनके बगैर एग्जाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखेंगे लॉ के सभी छात्र की किस तरीके से कंपनी लॉ के क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर उन्हें पढ़ने बहुत जरूरी है और उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़कर जाइएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स यहां पर कवर करने हैं। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 जब भी हम पढ़ते हैं तो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, यानी कि 29 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। 470 सेक्शन, 470 सेक्शंस यहां पर दिए गए हैं और 7 शेड्यूल यहां पर बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमेशा हम बात ही करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग और डेफिनेशन, कंपनी मींस क्या होता है, क्योंकि कंपनी एक लैटिन टर्म है, कॉम्प्लेक्स मैनिस नाम से बना है, जो सेक्शन 220 में बेसिकली दिया भी गया है कि इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से इसका मीनिंग होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी पहले आप पढ़कर जाइएगा। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो 2013 में एक्ट बनाया गया है, दोबारा से रिप्लेस किया गया 1956 की जगह, तो उसमें कौन कौन से सैलिएंट फीचर हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें वहां पर रखी गई हैं रिगार्डिंग पेनल्टीज हो या रिगार्डिंग सेक्शंस, शेड्यूल्स और चैप्टर्स हो, तो किस तरीके से यहां पर दर्शाया गया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सैलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 में इलेबरेट किए गए हैं 1956 की जगह। तो क्योंकि हमें यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है अभी प्रेजेंट में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जनरल एक क्वेश्चन आता है फीचर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू फॉर्म अ कंपनी। जब भी कोई फॉर्म कंपनी बनाई जाती है, सॉरी कंपनी फॉर्म की जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि उसके क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस वहां पर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, देखने में आता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी क्यों बनाई जाए और कंपनी को बनाने के क्या एडवांटेजेस उस व्यक्ति को मिलते हैं कि वो कंपनी बनाने के लिए तैयार हो जाता है, कंपनी बनाता है, और उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो जुड़ जाते हैं, जिसका ध्यान उसे रखना होता है, और साथ ही एडवांटेजेस को फीचर्स के तौर पर भी कंपनी के देखा जाता है। तो ये चीजें आपको पढ़नी बहुत ही जरूरी है, 20 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मुझे जरूर बतलाइएगा, आने वाले समय पर इन पर भी बातें करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ कंपनी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इस तरीके की कंपनीज, काइंड्स ऑफ कंपनीज यहाँ पर बतलाई गई हैं कि कितने तरीके की वन पर्सन कंपनी, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो 20 मार्क्स में ये भी आपसे क्वेश्चन रेज किया जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है जिन्हें आप आराम से कंपनी लॉ में तैयार करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि थियोरटिकल पार्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड फॉर्मेशन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए, जब भी किसी कंपनी को बनाया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, उसका
कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है और वो कहां किस सेक्शन में कंपनी एक्ट के इलेबरेट किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे चैप्टर सेकंड में सेक्शन 3-22 तक ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में ही यहां पर बतलाए गए हैं। बहुत सारे सेक्शन 3 से लेकर 22 तक यहां पर बतलाए गए हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेजर पार्ट है। तो इस चैप्टर 2 को जरूर याद करके जाइएगा, जरूर ध्यान रख के जाइएगा, समझ कर जाइएगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का और सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दिया गया है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे की जाती है और साथ ही जब किसी भी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो उसकी क्या क्या फॉर्मेशन प्रोसीजर वहां पर अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन प्रोसेस किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ सेक्शन 3 से 22 तक में दी गई है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। और जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है और कौन कौन सी लीगल चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं, जो यहाँ सेक्शन 3 से 22 तक दी गई हैं। लेकिन जब आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ते हैं 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के अंतर्गत अलग से भी पूछा जाता है, जहां पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए आपको दो चीजें जरूरी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी तो हमने फॉर्मेशन प्रोसेस में हम पढ़ लेंगे, और जब फॉर्मेशन प्रोसेस में रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कराने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, यानी कि एमओए की। तो यहाँ पर एमओए पे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एमओए जब बनाया जाता है तो कंपनी के मैनेजमेंट के अंतर्गत एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी तैयार किया जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से, यानी कि ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, या अलग से भी ये क्वेश्चन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से 20 मार्क्स में कवर अप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पार्ट है फॉर्मेशन प्रोसीजर का ही। जब आप फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़े, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़े, तो इसे जरूर डिटेल में पढ़कर जाइएगा। दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ पर जुड़ जाता है इसी चैप्टर में, अगर बात करूं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि डिन नंबर के नाम से इसे जानते हैं। यह अक्सर शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट नोट में 4-5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिन नंबर क्या होता है या सिन नंबर क्या होता है। सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जब कंपनी की इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उन्हें कुछ नंबर दिए जाते हैं और उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पास पैन नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से वहां पर डिन नंबर क्रिएट किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यह अक्सर 4-5 मार्क्स में आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये एक डॉक्ट्राइन है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि ये जब आप बात करेंगे कंपनी की तो कंपनी के आगे एक पर्दा कॉर्पोरेट व्हील पड़ा हुआ होता है, उसके बारे में ये डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बतलाती है कि वो क्या है। तो यहां पर इस डॉक्ट्राइन को जरूर पढ़कर जाइएगा, 20 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन बनता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। और यहीं पर जब आप पढ़ेंगे तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का एक केस भी आपको जानने को मिलेगा, जिस केस को अलग से 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कॉर्पोरेट बिल पढ़ें तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन या इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ें, तो यहां पर सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का केस जरूर पढ़कर जाएं। 20 मार्क्स में अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर इन क्वेश्चंस में भी फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा जाता है तो यहां पर भी आपको इस केस को डिफाइन करना जरूरी है, तभी आप यहां पर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो यहाँ पर बात आती है मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, आप देखते होंगे कॉलेजेस में भी हम लोग जाते हैं तो प्रॉस्पेक्टस आपको इश्यू किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर होते तो ऐसे ही है कुछ प्रॉस्पेक्टस, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर कुछ कंपनी एक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं कि प्रॉस्पेक्टस कैसे बनाए जाते हैं और उनके लिए क्या क्या लीगल कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, जो सेक्शन 23 से लेकर 42 तक में दिए गए हैं। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी 20-20 मार्क्स के कई क्वेश्चंस बनकर निकलते हैं और अक्सर एक आधा क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा भी जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको पता होना चाहिए, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, 100% आता है, क्योंकि काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ऐसा क्वेश्चन है जहां पर जब काइंड्स की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और डिंक्ड
प्रॉस्पेक्टस, इन चारों के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए, क्योंकि चारों कई बार 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में अलग से पूछ लिए जाते हैं, या काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्टस के नाम से भी या अलग से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई कंपनी मिस स्टेटमेंट करती है तो उसकी क्या क्या सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज एराइज होती है, वो कंपनी एक्ट में यहाँ पर बतलाई गई है, तो उसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि पब्लिक ऑफर, आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं और किस तरीके से कंपनी एक्ट में इनके बारे में बतलाया गया है, तो इस चैप्टर में इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपको पढ़ना होगा यहाँ पर डिफरेंस अमंग वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनीज हमने पढ़ लिया, तो उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में हर बार आता ही आता है कि वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही इसके साथ साथ जब आप ये पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन और देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी शॉर्ट नोट के तौर पर आपसे 10 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को आता है एग्जाम पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो यहां पर आता है मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल के बारे में यहां पर हम बात करेंगे कि शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है और उसके कौन कौन से काइंड्स हैं। ये सेक्शन 43 से 72 तक देखने में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जब हम शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे तो कुछ चीजें और पढ़ेंगे यहां पर, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल या डेफर्ड शेयर कैपिटल, तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में क्या क्या प्रोविजंस कंपनी एक्ट में दिए गए हैं। उसके साथ साथ जब हम यहाँ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो यहां पर कुछ काइंड्स और शेयर कैपिटल के दिखते हैं, जैसे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल, तो इनके बारे में भी आपको बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं। तो ये आपको सेक्शन 43 से 72 तक में मिलेगा, 20 मार्क्स के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे तो वो आपसे मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पूछ ले या फिर 20 मार्क्स में आपसे इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर, यानी कि बोनस शेयर क्या होते हैं और क्या क्या वोटिंग राइट्स या शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाइएगा। हालांकि हर बार क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है तो उसमें शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स किस तरीके से काम करता है या डायरेक्टर के वोटिंग राइट्स क्या क्या होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिबेंचर्स की, यहाँ पर डिबेंचर्स भी आता है, जब शेयर की बात करते हैं तो डिबेंचर्स भी एक फॉर्मेट आता है, तो डिबेंचर्स के बारे में क्या डिबेंचर्स होते हैं, किस तरीके से कंपनी में रेस किए जाते हैं और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स किस किस तरीके से कंपनी एक्ट 2013 में दिए गए हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जिसमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में आप पढ़ेंगे तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अगर इस बार आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दोनों में क्या फर्क है, शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क है, तो ये भी आप जानेंगे, आपको पता भी होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमें जरूर बतलाइएगा, आने वाले समय में इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, नेक्स्ट चैप्टर आता है जहां सेक्शन 139 से 148 तक में दिया गया है कि कंपनी में ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं और क्या क्या उसकी पावर्स और ड्यूटीज वहां पर दी गई हैं, तो जरूर पढ़कर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपनी में बहुत कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 139 से 148 तक में दिया गया है और आपको पता भी होना चाहिए कि अकाउंट्स किस तरीके से कंपनी के रेज होते हैं और ऑडिटर का वहां पर क्या काम होता है। जब आप ऑडिटर पढ़ते हैं तो इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर
शॉर्ट नोट में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिटर, या फिर उसके साथ साथ पूछा जाएगा ऑडिट कमेटी, यानी कि जहां जिन कंपनीज में एक से ज्यादा ऑडिटर्स होते हैं तो वहां पर उसे ऑडिट कमेटी बोला जाता है। तो अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वहां पर उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उसका फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या है, वो सेक्शन 177 में दिए गए हैं। और कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर ऑडिटर अपॉइंट होता है और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर ऑडिट कमेटी अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये भी जरूर पता करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्रमोटर, प्रमोटर कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो ये कंपनी एक्ट में एक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ 5-7 क्वेश्चन और बचते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे हम डायरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमें जानना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से यहाँ कंपनी एक्ट में दी गई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में अक्सर आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाता है, जो सेक्शन 149 से 172 तक कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स का, 20 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में, तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, शेडो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर कौन कौन होता है। शेडो दो बार लिख दिया गया, तो ये कौन कौन से डायरेक्टर्स किस तरीके से यहाँ कंपनी एक्ट में बतलाए गए हैं, तो इसके बारे में एक 20 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार कंबाइन करके भी पूछ लिया जाता है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको इसके बारे में सबके पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, शेडो डायरेक्टर है, कई बार शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स में पूछ भी लिए जाते हैं। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का, यानी कि डायरेक्टर किस तरीके से काम करता है, तो ये सब चीजें भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम मोड में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, 20 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, फंक्शंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कई कंपनीज में एक या दो डायरेक्टर्स होते हैं और कई कंपनीज में डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, तो वो कैसे होता है, किस तरीके से उसके क्या स्ट्रक्चर प्रोसीजर है और क्या क्या उसके फंक्शन है, तो 20 मार्क्स का अपने आप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो चैप्टर आई थिंक चैप्टर 7th और चैप्टर 12th में दिया गया है, उसे आप पढ़ भी लेंगे वहां पर, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 7th और चैप्टर 12th में पढ़ने को मिलेंगे, जहां पर बात करेंगे कंपनी मीटिंग्स की, यानी कि मीटिंग्स ऑफ कंपनी, किस तरीके से कंपनी में मीटिंग की जाती है और क्या क्या उसका फॉर्मेट है, तो मीटिंग ऐसे ही नहीं की जाती, वहां पर कंपनी एक्ट में भी उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कि कंपनी मीटिंग किस तरीके से होती है और क्या क्या काइंड्स, कौन कौन से काइंड्स यहाँ पर कंपनी मीटिंग्स के दिए गए हैं। जस्ट लाइक स्टेट्यूटरी मीटिंग आपको मालूम होना चाहिए, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, ईओजीएम जिसे बोलते हैं, और साथ ही क्लास मीटिंग्स, तो इस तरीके से मीटिंग्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर दिया गया, तो ये जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके साथ साथ मीटिंग्स की बात करूं तो देखिए 4 तरीके के लोग यहाँ पर कंपनी में होते हैं, एक शेयर होल्डर्स, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं, इसे मैनेज करते हैं कंपनी को, तो उनकी कौन कौन से मीटिंग्स किस किस तरीके से वो मीटिंग्स कर सकते हैं, वो सारे प्रोविजंस आपको यहाँ मालूम होने चाहिए, 20 मार्क्स में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान जरूर रखेंगे। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ डॉक्ट्राइन्स आ जाते हैं, जो हर बार आपसे 10 मार्क्स में पूछी जाती हैं, इतना है कि ये आती जाती है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन डॉक्ट्राइन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है और डॉक्ट्राइन ऑफ मिसमैनेजमेंट, दो डॉक्ट्राइन्स है, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखने में एक जैसी लगती है लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंशिएशन है, वो आप जरूर देख कर जाइएगा कि ऑपरेशन में किस तरीके से बतलाया गया और मिसमैनेजमेंट में क्या डिफरेंशिएट करके उसे डॉक्ट्राइन्स को बतलाया गया। लेकिन साथ ही यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए सेक्शन 241 से 246 तक कुछ प्रोविजंस भी दिए गए, कई बार ये भी 10 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी जरूर पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन और आती है, जो 20 मार्क्स में अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और जब आप इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो यहीं पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आपसे पूछा जाता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अक्सर 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कंपनी लॉ के पेपर में, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे जरूर देखकर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइंडिंग अप एंड इट्स मोड, यानी कि जब कंपनी बंद करनी होती है तो किस तरीके से, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं जिनके द्वारा कंपनी वाइंड अप की जा सकती है, सेक्शन 270 में दिया गया है और 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, लेकिन वाइंडिंग अप के साथ साथ एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है यहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस भी अक्सर 10 मार्क्स में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन
अलग से बन जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाएगा और इसके मोड्स भी जरूर पढ़कर जाइएगा। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, दो मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप, जो मैंने आपको बताया भी, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी बंद, तीन कंडीशन यहां पर दर्शाई गई है। कंपनी जब बंद होती है तो तीनों कंडीशन में क्या क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत, तो ये सब चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो आई थिंक 30-32 क्वेश्चन यहां पर ऐसे हैं कि अगर आप लॉ कर रहे हैं तो कंपनी लॉ में अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कंपनी एक्ट को पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती और कंपनी लॉ में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आने वाली वीडियोज में इन पर धीरे धीरे बात भी करेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता है। तो सभी सीरीज, सभी सब्जेक्ट्स की सीरीज हमारी लगातार आ रही है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अब आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।